पढ़कर पाड़ पाल सिखी स्कूल च ले ले दाखला गुरु दा सिंह कहां ले तू गड़ कर पानी भी पाले तू पढ़कर पाड़ पाल सिखी स्कूल च ले ले दाखला गुरु दा सिंह कहां ले तू गुरु दा सिंह कहां ले तू कंडा कड़ा च केस कशेरा गड़ कर पानी भी पाले तू सिखी स्कूल च ले ले दाखला गुरु दा सिंह कहां ले तू ओदा बन के पिंदरा रह जा जे मिलने बाजा वाले नू आनंदपुर साहब च पै जा जे मिलने कल दिया वाले नू सन 1701 ईस्वी विच पहाड़ी राजा केसरी चंद ते अजमेर चंद ने एक बार फिर आनंदपुर साहिब नू आके घेरा पा लिया। ए घेरा 2 महीने जारी रहा। साहिबजादा अजीत सिंह, भाई उदय सिंह ते भाई नाहर सिंह ने किला लोहगढ़ ते फतेहगढ़ दे मोर्चे संभाल के दुश्मन दियां फौजां नू अग्गे वधण तो रोक के रखिया। अंत नू पहाड़ी सेना ने एक ताकतवर मस्त हाथी नू शराब दे नशे विच चूर करके उस दे मत्थे उत्ते लोहे दी तब्बी बन के खालसा सेना वाल भेजा ताकि हाथी खालसा सेना अपने पैरां थल्ले मिद सुटे। पर खालसा फौज दे जंगजू भाई विचित्र सिंह जी ने अग्गे वध के हाथी दे मत्थे विच अजे जोरदार नागणी वर्छा मारिया कि लोहे दी चीर के वर्छा हाथी दे मत्थे विच जा उतरिया। हाथी चिंगाड़दा होया पिछा नू दौड़ पिया ते उसने बैरी दलां दा काफी नुकसान कीता। दूजे पास्यों भाई उदय सिंह ने राजा केसरी चंद नूं मौत दे मूंह तोर के उसदा सिर अपने खून पीने नेजे उत्ते टांग के गुरु जी दे कदमां विच लिया तरिया। सारा बैरी दल खालसा फौज अगे भज खलोया। तंग आ के मुगल बादशाह औरंगजेब दी भेजी हुई फौज ने पहाड़ी राज्यां नाल मिलके एक सांझा मोर्चा बना के आनंदपुर साहिब नूं घेरा पा लिया। दुश्मना विच सूबा सरहंद वजीर खां दियां फौजां तों इलावा सूबा लाहौर दी भारी फौज भी सी। आनंदपुर साहिब दे किले अंदर किरे होए सिंघां कोल खाण पीण पहनन ते होर नित वरतों दियां चीजां खत्म हो गईयां सन। तंग आ के माजे दे कुछ सिंघ भाई महा सिंह दे नाल मिल के गुरु जी नूं बेदावा दे के चढ़े गए। पर बाद विच माई भागो जी दे ताणे मारन ते उना सिंघां ने खदराने दी टाब यानी मुक्तसर आके बैरी दलां दे नाल लड़के शहीदियां प्राप्त कीतियां ते 40 मुक्ते कहाउण दा माण प्राप्त कीता। मजैल सिंघां दे बेदावे, माता गुजरी जी दे सलाह मशवरे, पहाड़ी राज्यां दियां कसमां ते मुगल हाकमां दियां झूठियां कुरानी कसमां उत्ते विश्वास करके गुरु जी अपने परिवार समेत 500 साथी सिंघां नूं नाल लै के 1704 ईस्वी नूं दिसंबर महीने दी काली ककरी रात विच आनंदपुर साहिब दी प्यारी धरती नूं अलविदा आख के एक अज्ञात मंजिल वाल निकल तुरे। आउण वाले समय विच गुरु गोबिंद सिंह जी दे सजाए खालसे ने मौत नूं खेल समझिया ते धर्म खातर निधड़क शहीदियां प्रवान कीतियां। ओ तेरे आशिका दी जना परख होई अंग अंग कटवाया ता खिड़ मथे ओ चढ़े चरखिया ते तावे खिड़े मथे सिर दा खोपर लुहाया फांसी लटके ता लटके सी खिड़े मथे आदा मौत नाल लाया ता खिड़े मथे ओ
मौत दा गाया खिड़े मथे तेरे रोब अगे चुकिया बादशाहिया उस कामन दे सने रानी खान तेरा रब दी झूठ नहीं सच आखां ऋणी सदा रहना हिंदुस्तान तेरा ऋणी सदा दर्शन करो खालसा पंथ दी चढ़दी कला दा सूचक चूल दा केसरी निशान तखत श्री केसगढ़ साहिब जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी दे समय दे इतिहासिक जंगी शस्त्रां विच्चों गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन होंदे हन। गुरुद्वारा साहिब दी पुरानी इमारत नूं 1936 विच सिख संगत ते संत कहारपुरी जी ने नवा रूप दिता सी। दर्शन करो इतिहासिक फुलाद दे बने हुए दो तारे खंडे दे जिस नाल दमेश पिता जी ने पाहुल खंडे तार अमृत तैयार कीता सी। कटार जिसनु गुरु साहिब ने कमर कसे विच्चों कड के दस्त बदस्त लड़ाई विच वरत्या सी। नागनी बरछा जिस नाल भाई विचित्र सिंह ने मस्त हाथी दा सिर फाड़िया सी। शमशीर बैरियां दा हौसला पस्त करन वाली। दायानी दुश्मन दा सीना चीरन वाला। टाल जिस दी हिक ने दुश्मना दे सैकड़े वार सहे होंगे। बंदूक बैरी दलां उत्ते गोड़ियां दा मीह वरसाण वाली। जख्मी होया करपा वर्छा जिस नाल भाई उदय सिंह जी ने राजा केसरी चंद दा सिर वड्या सी। सैफ इस्लाम धर्म दे बुजुर्गां दी पवित्र निशानी जो बादशाह बहादुर शाह ने 1708 ईस्वी विच गुरु जी नूं तोहफे वजों पेश कीती सी। फौलाद दा बनिया होया चक्कर जिसने दुश्मना नूं चक्कर विच पा दिता सी। एक होर वर्छा जालमा दी हिक पाड़न वाल। इन्हां पवित्र शस्त्रां दे दर्शन हर शाम नूं दीवान समाप्ति तो बाद नेता प्रति करवाए जांदे हन। उस गिदड़ों शेर
ਦੀ ਉਸ ਗਿੱਦੜੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਨੇ ਜੂਣਾ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੂਣਾ ਮਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਸਿੱਖਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ